Welcome to Vicky's Kitchen Recipes. This is here with the Kari Mutton. This is Dr. Vasim and I will show you how to make Hyderabadi Mutton Shikampur. Let's start the process. Subscribe to our channel for more videos. And press the bell icon for further updates from Vicky's Kitchen Recipes. Shikampur banane ke liye 1 kilo bina haddi gosht le. 2 se 3 tablespoon chana dal bhigo le. भीगी हुई चना दाल को गोश्त में डाल लें। अब इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। 3 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। 1 मीडियम साइज कटी हुई प्याज डालें, कटा हुआ कोथमीर पुदीना, 2 से 3 टेबलस्पून तेल। इसको मिक्स कर इसमें 1 कप पानी डालकर इसको अच्छी तरह मिलाएं। इसको अच्छी तरह मिलाने के बाद ढक्कन ढांप लें और मीडियम फ्लेम पर इसे 15 से 20 मिनट तक गला लें। गोश्त गल चुका है। इसको मिक्स कर इसमें नमक स्वाद के हिसाब से डाल लें। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। इनको साथ में अच्छी तरह मिला लें। इसमें 1 नींबू का रस डाल लें। इनको अच्छी तरह मिला लें। गोश्त को ठंडा कर पीस लें। शिकमपुर के लिए 2 टाइप की फिलिंग बनाने के लिए 2 बोल लें। दोनों बोल में 1 मीडियम बारीक कटी हुई प्याज डालें। दो से तीन बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालें, कटा हुआ कोथमीर पुदीना डालें। 1 बोल में 2 टेबलस्पून नींबू का रस डालें और दूसरे बोल में 2 टेबलस्पून गाढ़ा दही डालें। दोनों भी बोल में 1/2 टीस्पून नमक डालें। अब इन दोनों को मिक्स कर लें। डो टाइप की फिलिंग तैयार है। डो का छोटा सा हिस्सा लें और हाथ पर तेल लगाकर जिस तरह बताया गया है उसे शेप दे लें। जिस तरह बताया गया है इसमें दही की फिलिंग डालकर इसे कवर कर लें। इसी तरह डो का थोड़ा पोषण लेकर इसे भी शिकमपुर का शेप दें। इसमें प्याज और नींबू की फिलिंग डालकर इसे भी अच्छी तरह कवर कर लें। इसी तरह बाकियों को भी बना लें। इसे सेमी फ्राई करने के लिए 1 पैन में 2 से 3 टेबलस्पून तेल डालकर इन्हें फ्राई करें। इनको फ्लिप करते हुए फ्राई करें। इनके सुनहरा हो जाने के बाद इन्हें निकाल लें। हैदराबादी मटन चिकमपुर बनकर तैयार है। Thank you for watching this video. If you love this video, leave a like, comment down and share this video. And don't forget to subscribe our channel, VK's Kitchen Recipes.